नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने गोरा बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले द्वितीय संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ फीता काटकर व एंटी लार्वा फॉगिंग करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए एसएस पांडे व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा द्वारा जिला अधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिला अधिकारी ने कहा कि ये अभियान राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ अभियान है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर भाग लें। जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण व द्वितीय विशेष संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाले व जन जन के स्वास्थ्य से जुड़ा एक कार्यक्रम है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। अब सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि नीलम से इस बारे में क्या कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद से। नमस्कार, कबीर न्यूज से मैं नीलम। इस टाइम पे जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, इसके बारे में हम सर से बात करते हैं। सर, पहले तो अपना परिचय दें हमें। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा। सर, ये जो अभियान चल रहा है, ये है क्या? जुलाई से 31 जुलाई के मध्य संचारी रोग नियंत्रण माह चल रहा है और इस कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 तारीख से 15 जुलाई तक आशा एवं आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें घर घर जाएंगी और कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र में वो ILI और सारी के मरीजों का चिन्हीकरण करेंगी, व जो नॉन कंटेनमेंट जोन है उनमें वो सारी के मरीजों को चिन्हित करने के उपरांत रैपिड रिस्पांस टीम को इसके बारे में सूचना देंगी और रैपिड रिस्पांस टीम उनकी उन जानकारियों पर उचित कार्रवाई करेंगी। 16 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें कि JEAS अन्य वेक्टर जनित रोग हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में विगत में मृत्यु हुई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते रहे हैं, उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसके बहुत ही अनुकूल और आशातीत परिणाम भी सामने आए हैं। इस कार्यक्रम हेतु अन्य विभागों की भी मदद ली गई है। इसमें सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग और पशुपालन विभाग, नगर व स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत विभाग, सभी के साथ समन्वय के साथ ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि स्वच्छ जल योजना और साफ सफाई का रखाव और मच्छरों का को ना पैदा होने पाए इसके लिए उचित कार्रवाई करना है, जैसे लार्वीसाइडल का छिड़काव अथवा गंबूसिया नाम की एक मछली होती है जो कि लार्वा खाती है, उनको जल स्रोतों में छोड़ना। इसके अतिरिक्त जो सुअर पालक हैं उनको इसके लिए प्रेरित करना कि वो सुअर पालन बंद करें अथवा कहीं जो भी जहां पर भी जनसंख्या ज्यादा है वहां से दूर किसी विधान में अपना कार्य शुरू करें। इस प्रकार सभी विभागों समय से ये कार्यक्रम सफल होगा और पूर्व में इसके अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, तो आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम इस बार भी पूर्व की तरह ही सफल होगा और इसके आशातीत परिणाम सामने आएंगे। सर, जनता से क्या अपील करना चाहें? जनता से यही अपील है कि जो भी सरकार के कार्यक्रम हैं रोगों को रोकथाम के लिए और उनके प्रभावी नियंत्रण के लिए, उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान करें। जन जागरूकता का जो अभियान है उसमें अगर जनता भी सम्मिलित हो जाती है तो ये कार्यक्रम
समस्त समुदाय में ये बहुत तेजी से फैलेगा, तो इसलिए जनता का सहयोग तो सर्वोपरि है। जनता के सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। आज हम सर से जो इस टाइम पे संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है इसके बारे में कुछ जानते हैं। सर, जो रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है ये है क्या? संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है इसमें पूरे माह चलाया जाएगा। जुलाई जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। ये जो है इसमें जो है AES JEE से संबंधित जितने भी संचारी रोग हैं जो कि जो है हमारे मच्छरों द्वारा फैलते हैं या अन्य जीवाणुओं द्वारा फैलाए जाते हैं, जिससे वेक्टर होता है, उसके नियंत्रण के लिए रोकथाम के लिए एक पखवाड़ा चलाया जाना है। इसमें जो है सभी विभागों द्वारा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अलग इसमें नोडल होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का काम मूलतः जो है इलाज से संबंधित होता है। जो मरीज अगर हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसका इलाज करता है, लेकिन इलाज उतना अच्छा नहीं है, जिसमें बचाव करना जरूरी है। इसके लिए सभी विभागों की सहयोगिता जरूरी होती है, जैसे हमारे आस पड़ोस की सफाई के लिए DPRO, ग्राम पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग के बच्चों में जागरूकता करेगी, जिसके द्वारा परिवार में लोगों को जागरूकता मिलेगी कि कौन कौन बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं सफाई से। सर, जैसे कि इस टाइम पे COVID-19 का भी खतरा मंडरा रहा है, बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है, इसके चलते क्या डोर टू डोर स्क्रीनिंग जारी रहेगी? हाँ, डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी, हमारी टीमें जाएंगी, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साथ साथ उनको कोविड से बचाव के बारे में संवेदीकरण भी किया जाएगा कि कैसे जो है लोग कोविड से बचे, क्योंकि बचाव में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम क्या बचेंगे। डरने से काम नहीं चल रहा है, डरना अच्छी चीज है, जरूरी है, लेकिन उससे बचाव कैसे करें, क्या क्या हम अपने को बचाएं, कैसे, जैसे मास्क पहनना जरूरी है, हैंड वॉश जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, आपस में भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं, ये सब सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना एक बहुत गंभीर बीमारी है। अगर किसी को हो जाता है तो फिर उसमें जो जिनके साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या कोई भी गंभीर बीमारी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सबको बचाव तो करना पड़ेगा, और हम बचाव अपना ही नहीं करेंगे, हम अपने समाज का भी करेंगे। अगर हम मास्क लगाते हैं तो हम किसी को भी जो है किसी के दूसरे में, मान लो हम इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देंगे, या दूसरे के अंदर इन्फेक्शन है तो हमारे नहीं आएगा। इसलिए मास्क पहनना जरूरी है, कहीं भी किसी भी जगह पर जा रहे हैं, कोई चीज़ें छू रहे हैं तो उसको हाथ धोना जरूरी है, इसलिए हाथ धोने के लिए बताया जाता है। भीड़ भाड़ में आपस में जो है 6 फीट की दूरी कम से कम जरूरी होती है, 6 फीट 7 फीट की दूरी ये रहेगी तो दूसरे को हम इन्फेक्शन नहीं देंगे, ना उसे हमें इन्फेक्शन होगा, तो इस तरह से हम अपने सभी काम भी कर सकेंगे और जो है बीमारियों से बचेंगे। सर, जो संचारी रोग नियंत्रण में किन किन लोगों को गिना जा रहा, कौन कौन से रोग संचारी रोग नियंत्रण में आ रहे हैं? JEE का नाम आपने सुना होगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जो कि जो है गोरखपुर और पूर्वी जिलों में बहुत कॉमन बीमारी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी के मतलब जो है उनके सहयोग से, उनके ध्यान देने से जो ये हाल हो गया है कि अब हमारे पूरे प्रदेश में JEE के रोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। जो मूलतः जो है जापान से ये जो है धान के खेतों में पाए जाने वाले मच्छरों के द्वारा फैलाया गया था फैलता है, इसका कारण तो होता है, लेकिन बाकी जो है इसमें वायरस होता है जो कि मच्छरों द्वारा जा करके जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, उसके कारण उसके बाद जो AES ग्रुप होता है जिसमें कम से कम 7-8 बीमारियां हैं, जिसमें यहाँ तक कि टाइफाइड, मलेरिया, जो है स्क्रेप्टाइफस, इस तरह की और भी बीमारियां हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जिससे कि इसमें जो है टाइफाइड और सब बीमारियां हमारे पीने पानी का, अगर पानी का स्रोत हमारा अच्छा हो जाए, शुद्ध पानी पीने, तो काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आस पड़ोस की सब सफाई रखने से मच्छर जो है नहीं पैदा होंगे, तो जिससे भी मच्छर जनित बीमारियां हैं उनसे बचे हैं। सर, इसे जनताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि जनता ऐसे स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करें? जनता से हम अपील करेंगे कि जो है COVID-19 से बचाव के जो भी साधन बताए जा रहे हैं, सभी हर जगह से हर प्लेटफॉर्म पर यही समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ जो है साबुन से बढ़िया साफ रखें,
मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, ये सबको पालन करना है। और साथ में संचारी माह के कारण हम लोग इसमें बरसात के कारण से बीमारियों की बढ़ने की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उससे बचाव करना। बचाव करना में ये आएगा कि हम अपने आस पास सफाई रखें, अपने शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई, अपने आस पड़ोस नालियों की सफाई, हैंडपम्प जो है साफ सुथरे, जो पीने वाले पानी है उसमें उसको सुरक्षित रखें। तो ये हमें थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया कि इस महामारी से बचने के लिए हमें सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जगह जगह पानी इकट्ठा ना करें, अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसे टाइम से साफ करते रहें। और जैसा है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात है, तो सर ने ये बताया कि ये बीमारी तो जो कोविड-19 है, ये इसके चलते बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और ग्लव्स को पहनते हुए स्क्रीनिंग करना है। धन्यवाद। कभी से मैं नीलम रहेगी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।